दिस इज पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, जैसा कि हम बात कर रहे थे, अ नंबर ऑफ लेजिस्लेशंस व्हिच हैव बीन प्रपोज्ड रिसेंटली, जिसमें के बहुत ज़्यादा डेमोग्राफी को लेकर के, पॉपुलेशन को लेकर के एक एंग्जाइटी हमको दिखती है, और मुल्क की पॉलिटिक्स में इन बिल्स के थ्रू या इन डिस्कशंस के थ्रू नंबर की, खास करके एक मेजॉरिटेरियन एंग्जाइटी को इंट्रोड्यूस करने की कंसिस्टेंटली कोशिश की जा रही है। और जो दो कानून हैं जिनकी एक लंबी जर्नी है, एक पर्सपेक्टिव है एंटी कन्वर्जन लॉज का और एक पर्सपेक्टिव है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल्स का, ये दो इस तरह के कानून हैं जिनको लेकर के एक तवील बहस मुल्क में चलाई जा रही है, और मोस्टली ये बहस फैक्ट से और रियलिटी से बहुत डिस्कनेक्टेड है और कुछ रेटोरिक्स के ऊपर बेस करके चल रही है। तो सबसे पहले तो जो एंटी कन्वर्जन लॉज का मसला है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में एंटी कन्वर्जन लॉज आज से नहीं, एक लंबे ज़माने से एग्जिस्ट करते हैं, और इन एंटी कन्वर्जन लॉज के साथ साथ इंडिया में एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी एग्जिस्ट करता है, और हमेशा कोर्ट्स के थ्रू और हमारे लीगल पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये एक एक्सेप्टेड चीज़ रही है कि हिंदुस्तान में आपको जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो फ्रीडम अपने बिलीफ का भी है और साथ में उस बिलीफ को प्रैक्टिस करने के साथ साथ प्रोपगेट करने का भी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है। इसमें जो एक चीज निकाली गई, एक इंडिपेंडेंस के बाद से ही, इंडिपेंडेंस के पहले से भी एक डिस्कशन जो चलता था कि कुछ लोगों को जोर जबरदस्ती से कन्वर्ट किया जा रहा है, तो जोर जबरदस्ती की हद तक कन्वर्जन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ लीगल प्रोविजंस की बात होती रही है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि इस जो बेसिक आइडिया है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही जबरदस्ती से हुए हुए कन्वर्जन्स को रोकने का एक बहुत पुराना एक डिस्कोर्स है, उसको आज पूरी तरह से वेपनाइज करके और पूरी तरह से फ्रीडम ऑफ रिलीजन ही को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स हो रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों के लॉज लीजिए, और हम लोगों ने जो एनालिसिस किया है वो कोई एक लॉ का नहीं किया है, बल्कि जनरली क्या ट्रेंड है, क्या शिफ्ट आ रहा है पिछले कुछ सालों से अलग अलग लॉज में, तो हम लोग ये देखते हैं कि इस वक्त जो, चाहे वो कर्नाटका हो, हरियाणा हो, या अलग अलग स्टेट्स हो जिसमें रिसेंटली एंटी कन्वर्जन लॉज पास हुए हैं, उन सब में कॉमनैलिटीज क्या है। कॉमनैलिटी पहली बात तो ये है कि वो लव जिहाद जैसा एक डिस्कोर्स है उसको लेकर के पहले उन लॉज को पास किया गया। उन लॉज में ये बोला गया कि आप अगर शादी के लिए या किसी भी और रीजन से कन्वर्ट करते हैं तो उसको, शादी या इस तरह के रीजन से कन्वर्ट करते हैं तो उसको इलीगल माना जाएगा, इस तरह के डिस्कोर्स के चारों तरफ इन लॉज को लेजिटिमाइज किया गया। लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं तो एक्चुअली में इन लॉज का लेना देना कोई शादी ब्याह या असल में कोई लव जिहाद की एंग्जाइटी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक ज्यादा बड़ा इशू है। वो लॉज असल में प्रोहिबिट क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप किसी भी तरह का फियर और इंड्यूसमेंट के जरिए तो आप कन्वर्जन नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, फितरी बात है, लेकिन फियर और इंड्यूसमेंट की डेफिनेशन में वो ये भी ले आते हैं कि किसी, ये बोलना कि एक कोई एक्ट करने से कोई खुदा नाराज हो जाएगा या खुश हो जाएगा, इतनी बात बोलना भी जो है वो लॉ को वायलेट करेगा और वो एक इलीगल कन्वर्जन में उसको ले आएगा। और उससे भी ज्यादा बड़ी चीज, ये तो ठीक है उसका कंटेंट है जिसके ऊपर बहस हो सकती है, एक डिबेट हो सकता है कि क्या एक्सटेंट होना चाहिए कन्वर्जन के एफर्ट्स का, लेकिन जो सबसे खतरनाक एस्पेक्ट है वो है कन्वर्जन को जो एक अप्रूवल प्रोसेस में अटकाया गया है। अगर कोई इंसान इन बिल्स को अगर आप देखिए, इन लॉज को देखिए, तो उसका जो इंटेंडेड डिजाइन है वो क्या है कि अगर कोई शख्स हिंदुस्तान में अब अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, कन्वर्ट करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको जाकर के एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कोई एक ऐसे सिमिलर ऑफिशियल के सामने अर्जी देनी पड़ेगी। अर्जी देने के बाद कुछ दिन, 15 दिन, कहीं एक महीना उसको रुकना पड़ेगा, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, रिव्यू होगा, जांच पड़ताल होगी कि इसको लेकर के किसी को आपत्ति तो नहीं है, उसके बाद ही उसे अपना धर्म परिवर्तन करने की अनुमति दी जाएगी। और अगर अनुमति के बगैर कोई अपना धर्म परिवर्तन करता है तो इसको गैर कानूनी एक अपराध माना जाएगा। अगर आप इस पूरे डिजाइन को देखिए तो आप सोचिए ये खुद कितना इलॉजिकल और कितना अननेचुरल डिजाइन है, क्योंकि आप जब आप रिलीजन की बात करते हैं, फेथ की बात करते हैं,
तो आप एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसका बिलीफ और कॉन्शियंस से लेना देना है। ये जो है आप किसी ब्यूरोक्रेटिक अप्रूवल के प्रोसेस से किसी का फेथ सही है या नहीं है, किसी का कॉन्शियंस सही है या नहीं है, ये आप कभी भी जज नहीं कर सकते। असल में इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को कन्वर्जन के एक्ट से रोकना, कन्वर्जन के एक्ट से ही डिटर करना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये पूरा हक देता है कि आप जो धर्म चाहें उस धर्म को मान सकते हैं, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को नहीं हटाया जा सकता, इसलिए उसके प्रोसेस को इतना मुश्किल बनाया जा रहा है। और आप देखिए हमारे मुल्क में जो आंकड़े बताते हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ हर तीसरे दिन कम से कम एक हेट क्राइम होता है। ऐसे संदर्भ में जब आप ऐसा कानून लाएंगे जहां पे धर्म परिवर्तन से पहले 15 दिन पहले 30 दिन पहले डीएम को किसी को नोटिस देना पड़ेगा, उस पर जांच पड़ताल होगी, तो आप सोचिए आप उस शख्स को कितना ज्यादा वल्नरेबल बना रहे हैं, आप उस शख्स को कितना खतरे में डाल रहे हैं। आप उससे पर्सनली अग्री करते हो या नहीं करते हो, लेकिन उस इंडिविजुअल की जान कितने खतरे में आती है जब आप उससे कहते हैं कि वो पब्लिकली डिक्लेयर करे कि वो धर्म परिवर्तन करने जा रहा है, उसकी जांच हो, उसके ऊपर 10 लोग इन्वॉल्व हो। तो आज के माहौल में जब नफरत का इस तरह का पॉलिटिक्स है, आज के माहौल में जब हेट क्राइम्स को इतना ज्यादा इम्प्यूनिटी हासिल है, ऐसे में आप अगर धर्म परिवर्तन के प्रोसेस को इतना ब्यूरोक्रेटिक रिव्यू में डालिएगा तो आप यकीनन लोगों को, लोगों की जान और लोगों की अमान को खतरे में डाल रहे हैं। साथ में अगर आप इस प्रोसेस के अंदर और आप जाइए तो अल्टीमेटली इसका पर्पस क्या है? अल्टीमेटली इन पूरे लॉस का पर्पस ये है कि जो आर्टिकल 25 और 26 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको इनइफेक्टिव बना देना। और उसके पीछे पूरा लॉ, उसके पीछे अगर आप एंग्जाइटी को देखिए, उसके ऊपर क्या बेचैनी है उसको देखिए, तो क्लियरली बेचैनी जो है वो सारी आंकड़ों की ही है, बेचैनी सारी नंबर्स की है। क्योंकि एक सियासी, एक पॉलिटिकल रेटरिक है, एक बात कह दी गई है, एक बात का डर दिलाया जाता है कि हिंदू इस मुल्क में सबसे ज्यादा है संख्या में, लेकिन जो दूसरे मजहब के लोग हैं वो अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये एक पॉलिटिकल रेटरिक है, एक सियासी एक जुमला है, एक बुनियाद है जिस पर सियासत की जाती है, उसको जस्टिफाई करने के लिए फिर इस तरह के कानून आते हैं। हालांकि अगर आप कोई भी आंकड़े ले, इंडिया में ना तो आपका सेंसस ये बताता है, ना तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वेज ये बताते हैं, ना तो कोई ऐसा आंकड़ा है जो बताए कि इंडिया में कहीं पे भी बड़े पैमाने पे कन्वर्जन हो रहे हों। कोई लार्ज स्केल रिलीजियस कन्वर्जन का इंडिया में डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो भी होते हैं स्ट्रे केसेस होते हैं, इंडिविजुअल केसेस होते हैं, और यह बताना भी मुश्किल है कि एक्चुअली कितना बड़े, कितने नंबर में होते हैं, क्योंकि वो इतना छोटा फिनोमिना है। अगर कोई इतना, वाकई में इतना बड़ा देश में फिनोमिना होता कि लोग अपना धर्म, बड़ी संख्या में लोग धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में जा रहे हैं, तो ये इसके आंकड़े कई जगह मौजूद होते। आज तक किसी भी बिल के डिस्कशन में किसी तरह के आंकड़े सामने नहीं रखे गए, सिर्फ एक डर फैला करके एक ऐसा लीगल आर्किटेक्चर, एक ऐसा कानूनी डिजाइन बनाया गया है जिसके जरिए से कि आर्टिकल 25 और 26 को पूरी तरह से नलिफाई किया जा सके, खत्म किया जा सके। और आर्टिकल 25, 26 से आगे जाते हुए भी जो फेथ और जमीर को लेके, इंसान के जमीर को लेके, यकीन को लेकर के जो नेचुरल तकाजे हैं, जो फितरी तकाजे हैं, जो आपका कॉन्शियंस आपको बताता है, ये सब उन लॉजिकल तकाजों के अगेंस्ट जाता है कि आप एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू कन्वर्जन्स को रेगुलेट करें और किसी भी तरह के प्रोपगेशन को, जो किसी भी तरह के रिलीजियस प्रोपगेशन को आप क्रिमिनलाइज करें। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भी जाता है और कॉन्शियंस के अगेंस्ट भी जाता है। जो दूसरा डिस्कशन देश में चल रहा है, जो जिसके ऊपर वक्तन फोक्तन सियासी शोशे छोड़े जाते हैं, वो है पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के एक कानून का। ये एक और कानून है जो कि जिसके पीछे वजूहात दूसरी बताई जाती हैं, वजूहात बताई जाती हैं ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट, वजूहात बताई जाती हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेस कम हैं, लिमिटेड हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको सही से उनका यूटिलाइजेशन करने के लिए, पॉपुलेशन को स्ट्रीमलाइन करने की, कंट्रोल करने की जरूरत है, इस तरह की बातें बताई जाती हैं। लेकिन ये एक और ऐसा सियासी शोशा है, सियासी जुमला है, जिसके पीछे असल में जो बेचैनी है वो आंकड़ों की बेचैनी है। और ये जो
मेजॉरिटी को डराने की जो सियासत इस वक्त मुल्क में की जा रही है, मेजॉरिटी को यह डर देना कि वो मेजॉरिटी रहेगी या नहीं, वो वाकई में उसका ही बल रहेगा या नहीं, इस आइडेंटिटी को सिर्फ नंबर पर रिड्यूस करने की जो सियासत मुल्क में चल रही है, ये भी उसी का एक एक्सप्रेशन है। आप देखिए, हमारे मुल्क में पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसी आज से नहीं, काफी सालों से है, और अगर आप अगेन आंकड़ों को देखिए तो ये बताते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसी लार्जली सक्सेसफुल रही है इंडिया में। ओवर टाइम जैसे जैसे हेल्थ और एजुकेशन को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर फैला है, अवेयरनेस फैली है, इंफॉर्मेशन फैली है, वैसे वैसे जो पॉपुलेशन का रिप्लेसमेंट का रेशियो होता है, जो ये बताता है कि ऑन एन एवरेज एक औरत ऑन एन एवरेज हिंदुस्तान में कितने बच्चे पैदा होते हैं, तो कहा यह जाता है कि एक स्टेबल पॉपुलेशन पॉलिसी वो है जो 2 के लेवल पे आ जाए, यानी कि एक औरत की अगर 2 बच्चे ऑन एन एवरेज मुल्क में पैदा हो रहे हैं, तो उसको जो डेमोग्राफिक स्टडीज करने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि वो एक स्टेबल पॉपुलेशन का रिप्लेसमेंट रेशियो है और एक अच्छी पॉपुलेशन पॉलिसी। आज अगर आप हिंदुस्तान में देखिए, जो लेटेस्ट एनएसएसओ के आंकड़े हैं, वो आप सब आपको ये बताते हैं कि इंडिया में तकरीबन जो रिप्लेसमेंट रेशियो है वो 2.1 तक ऑलरेडी आ चुका है। तो जो इंटेंडेड असर था पॉपुलेशन, बिना किसी ठोस कानून के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई किए, सोशल पॉलिसी के थ्रू, स्कीम्स के थ्रू, हेल्थ और एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के थ्रू, ऑलरेडी एक स्टेबल पॉपुलेशन पॉलिसी हम लोग अचीव कर चुके हैं। उसके बावजूद बात होती है कानून लाने की, उसके बावजूद बात होती है क्रिमिनल प्रोविजंस लाने की। और किस तरह के क्रिमिनल प्रोविजंस? इस देश में पहले भी इमरजेंसी के वक्त में एक एक्सपीरियंस, एक तजुर्बा हो चुका है, जब जबरदस्ती पॉपुलेशन कंट्रोल को इन्फोर्स करने की कोशिश की गई थी, उसके क्या डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस थे वो आप सब जानते हैं। तुर्कमान गेट यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वो सब वाकयात सब लोग जानते हैं। उसके बावजूद आज हिंदुस्तान में, जबकि आप बेहतर तरीकों से एक पॉपुलेशन पॉलिसी को अचीव कर पा रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में भी बार बार पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। ये सरकार को भी पता है कि इस बिल का कोई फायदा नहीं होना, इसीलिए वो बिल्स कभी पास नहीं होते, लेकिन सियासी डिस्कोर्स से उसको कभी भी खत्म नहीं होने दिया जाता। और वो बिल्स क्या बात, किस तरह की वो बिल्स, वो एक किस तरह के प्रोविजंस की बात करते हैं? वो ऐसे प्रोविजंस की बात करते हैं कि जहां जो 2 child पॉलिसी का वायलेशन करे जो भी फैमिली, उनको सबसे पहले तो सरकारी स्कीम से डिसइंसेंटिवाइज किया जाए, यानी कि सरकारी जो स्कीम का लाभ है वो उनको काटा जाए। कई जगहों पर इस तरह की बात होती है कि उनको इलेक्शन लड़ने से रोका जाए, कई जगहों पर और तरह के सैंक्शंस की बात होती है। फंडामेंटली जो उनके नागरिक के तौर पर जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को कम कर देने की बात होती है अगर 2 child पॉलिसी का वायलेशन हो। और आप देखिए कि इसका असल में असर किसके ऊपर होने वाला है, असर उन्हीं तबकों पे होगा जो कि सबसे ज्यादा उन पॉलिसीज के हकदार हैं, जहां ज्यादा गुर्बत है, जहां एजुकेशन नहीं है, जहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पूरी पॉपुलेशन साइंसेस डेमोग्राफिक स्टडीज आपको यही बताती है, और हमने अपने बुकलेट में भी यही बताने की कोशिश की है कि पॉपुलेशन का और डेमोग्राफिक ट्रेंड्स का रिलीजन या रिलीजियस बिलीफ से कोई लेना देना नहीं होता है, हमेशा उनका लेना देना हेल्थ और एजुकेशन से होता है। तो जो जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं हेल्थ और एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, वही कम्युनिटी सबसे ज्यादा इन पॉपुलेशन कंट्रोल बिल्स का शिकार होंगी। और ये सरकार भी जानती है कि इसका असल में कौन इसका निशाने पे आने वाला है, इसलिए कभी भी आप देखिएगा कि इस तरह के बिल को पास करने की बात नहीं होती है, लेकिन हर पार्लियामेंट्री सेशन में, इस बार भी एक बीजेपी के एमपी ने प्रेजेंट किया, इससे पहले के 3 पार्लियामेंट्री सेशंस में लगातार कोई ना कोई बीजेपी का एमपी जरूर ये बिल पेश करता है, इस पे कई दिन डिस्कशन होता है, और उस डिस्कशन का निष्कर्ष ये निकलता है कि फिर से वो जो आंकड़ों को लेकर के जो डर है, जो बहुमत को लेकर जो एंग्जाइटी है, इस मुल्क में जो सियासत चल रही है कि जो देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके दिल में डर बिठाया जाए कि तुम्हारी मेजॉरिटी का नंबर कम हो जाएगा, तुम्हें उसके लिए सतर्क रहना है, जो बिल्कुल ही बेबुनियाद डर है। चाहे आप कन्वर्जन को ले लीजिए, चाहे आप पॉपुलेशन ग्रोथ को ले लीजिए, दोनों जगह किसी तरह के आंकड़े नहीं है जो इस डर को जस्टिफाई करे, किसी तरह का साइंस नहीं है
जो इस डर को जस्टिफाई करे, लेकिन सिर्फ इस सियासत को जिंदा रखने के लिए, इस डिस्कोर्स को जिंदा रखने के लिए बार बार इस तरह के कानून को पेश किया जाता है, बार बार इस तरह का डिस्कशन किया जाता है और मुल्क के जो है पूरे माहौल को खराब करने की एक कोशिश की जाती है। तो हम लोगों ने सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि बार बार ये एक डिस्कशन का मौजू बना हुआ है और एंटी कन्वर्जन के ऊपर यकीनन कई सारे कानून आ भी चुके हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने एक बहुत बेसिक सी, बहुत बुनियादी सी स्टडी दोनों अलग अलग कानून पे अलग अलग की है और उसको अब हम लोग रिलीज करेंगे और आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस एक स्टडी से कहीं ज्यादा ये जो दो बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हैं और इनके पीछे जो एक बड़ी सियासत है उसके ऊपर एक डिस्कशन मुल्क में हो सके और इन इश्यूज की क्या रियलिटी है उसको समझने में लोगों को मदद मिले और उसके साथ साथ जो इन बिल्स के को लाने के पीछे, इन कानून की बात करने के पीछे जो असल मंशा है, वो मंशा की तरफ भी लोग सोचना शुरू करें, आकलन करना शुरू।